इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिस राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जहां के सदस्यों के बारे में धारणा है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, विकासशील और विवेकशील दोनों किस्म के लोग हैं, उसी राज्यसभा में 11 अगस्त को जो तस्वीर दिखाई दी उससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ। संसद में जो हंगामा हुआ, जो मारपीट हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा में सिक्योरिटी स्टाफ यानी मार्शल्स ने महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की, तो सरकार कह रही है कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने एक लेडी मार्शल से हाथापाई की, धक्का मुक्की की। सच क्या है वो देश की जनता राज्यसभा के वीडियो में देख सकती है। आप 11 अगस्त की शाम 6:02 से लेकर अगले करीब एक घंटे तक राज्यसभा में जो हुआ उसके 4 अलग अलग वीडियो इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। महिला मार्शल से धक्का मुक्की के आरोपों के अलावा कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने सभापति की चेयर पर चढ़ने की कोशिश की, तो टीएमसी सांसद डोला सेन ने पीयूष गोयल का रास्ता रोकने की कोशिश की, प्रहलाद जोशी का रास्ता रोकने की कोशिश की। एक वीडियो है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां विपक्षी सांसदों ने पर्चे फाड़कर सदन में उड़ाया और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन इस पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। ये राज्यसभा का वो वीडियो है जिसे लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सवालों के घेरे में है। जब हंगामा हो रहा था उस वक्त विरोधी दलों के कम से कम 2 दर्जन सांसद वेल में पहुंच चुके थे। मार्शल्स ने रिपोर्टर्स की जो टेबल है, जो रिपोर्टिंग टेबल आप बीच में देख रहे हैं, ये राज्यसभा के अधिकारियों की टेबल होती है, इसे घेर लिया। मार्शल्स में लेडी मार्शल भी थी, इसलिए विरोध हुआ। विरोधी दलों के नेताओं ने अपनी महिला सांसदों को आगे कर दिया। वीडियो में लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा रिपोर्टर्स की टेबल के सामने खड़ी लेडी मार्शल अक्षिता भट्ट को हटाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पुरुष सांसदों के चेयर तक और रिपोर्टर्स की टेबल तक पहुंचने का रास्ता क्लियर किया जा सके। इसके बाद ये भी देखिए, फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने पहले लेडी मार्शल अक्षिता भट्ट से हाथापाई की, फिर उसे पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगी। वीडियो फुटेज में इस बात का सबूत है कि फूलो देवी नेताम ने मार्शल की गर्दन पकड़ रखी थी। इतना ही नहीं, अपने सिर से उनके चेहरे पर हमला करने की कोशिश भी की गई, लगातार धक्का दिया गया। फूलो देवी नेताम ने क्या क्या किया ये आपने तस्वीरों में देखा, उन्होंने कैसे मार्शल को धक्का दिया ये भी आपने देखा। लेकिन फूलो देवी खुद को पीड़ित बता रही हैं, तो उनके साथ हंगामे में शामिल छाया वर्मा ने कहा कि फूलो देवी को गंभीर चोट आई है, उनके हाथ पर पट्टी बंधी है। दोनों तरफ से धक्का धुमी हुई और मार्शलों ने, वहाँ पे पुरुष मार्शल ज्यादा थे, मार्शलों ने एक महिला सांसद को धक्का दी, जिसके चलते मैं गिर गई और जगह जगह चोटें आई। क्या मार्शलों की संख्या रही होगी? 30-35 तो रहे हैं, आप देख रहे हैं जो टीवी में चल रहा है, न्यूज में दिखा रहा है, भारी मात्रा में मार्शल खड़े थे वहाँ पे। धक्का धुमी दोनों तरफ से हुई है, उसके बाद एक महिला सांसद को इतने जम से धक्का देना, और वो एक दो महिला मार्शल के काम की बात नहीं है, पुरुष मार्शल थे, वो लोग धक्का दिए हैं, जिसके चलते हम गिर गए। हाथ में चोट आई है, बाजुओं में चोट आई है, पसली पे चोट आई है, कमर पे चोट आई है। हमारी एक सांसद का इंजरी हुआ है, हाथ में प्लास्टर लगा है, पट्टी बंधा है, कमर में भी उसका चोट आया है, आप सब देख सकते हैं। पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि कुछ महिला ओपोजिशन में हैं, आप उससे सीसीटीवी में, आप पीयूष गोयल जी की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि सदन में इतने सारे मार्शल रखने की क्या आवश्यकता है, जितने सांसद नहीं है उससे दुगना मार्शल वहाँ पर वेल पे जाके खड़े हैं, हम लोग क्या करेंगे? 55 साल हो गए हैं भारत के इतिहास में कभी ऐसा दृश्य आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप तो अभी बच्चे हैं मेरे सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ छाया जी, कि क्या आपको लगता है कि एक टीम भी बनाने की बात कही है, कि एक टीम बनाया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों पे लिया जाए? देखिए मोदी जी पूरे भारत के लोगों को डरा के धमका के चमका के रखना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखा, राज्यसभा की माननीय और सम्माननीय सांसदों की बात भी सुनी। आपको उस लेडी मार्शल के बारे में भी बताते हैं जिन पर यह हमला हुआ। अक्षिता भट्ट राज्यसभा की सिक्योरिटी असिस्टेंट है। अक्षिता भट्ट को कई जगह खरोचे आई हैं, गले पर चोट के निशान हैं और शरीर पर भी कई जगह सूजन है, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज की गई है। अक्षिता भट्ट के कंधे का एक्सरे भी किया गया, चेस्ट का एक्सरे हुआ और उन्हें गंभीर चोटें आई।
उन्होंने अपनी शिकायत रिपोर्ट में कहा कि राज्यसभा की दो महिला सदस्य छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने उन्हें बाहें पकड़कर खींचा और मारपिटाई की, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। इस वजह से मुझे कई जगह चोटें आई हैं, बाएं हाथ की कलाई में और बाएं कंधे में स्वेलिंग है, ये कहना रहा अक्षिता भट्ट का। 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करीब एक घंटे तक चला और इसी हंगामे का एक और वीडियो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वीडियो 6:33 का है। हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा चेयर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। रिपुन बोरा पहले मार्शल के ऊपर चढ़े, फिर रिपोर्टर्स की टेबल पर चढ़कर राज्यसभा के सभापति के आसन तक जाने की कोशिश करने लगे। ये वीडियो हंगामे की हकीकत का जीता जागता सबूत है। अब इन तस्वीरों को दिखाने के बाद ज्यादा समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि विरोध कौन दर्ज कर रहा था, हंगामा कौन कर रहा था और चर्चा कौन कराना चाहता था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।